हाँ जी जी देखिए कैसा मजेदार मौसम है जी, यकीन मानो पूरा हाल हो गया। और ये जी हम जीप पे निकले हैं केल बाजार से भी, हम है जी जहाँ पे एंट्री करवानी होती है। ये है जी ताऊबट का रास्ता, जनरल सिटी गांव है जी। तीसरा ये फ्रेश अपडेट आपको दे रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट देख लें जी, रोड की कंडीशन देख लें दोस्तों। अब डेढ़ घंटा हमारा जाया हो गया, भूल गए पांचवा या छवा गाँव है जी। और बड़ा अनसेफ रास्ता, स्लिपरी रास्ता, जिसकी वजह से नहीं जा सकते। ले जी बारिश की वजह से पीछे दो तीन दिन बारिश हुई और बहुत स्लिपरी और बहुत चढ़ाई है, और चढ़ाई भी जो है वो पत्थरों वाली है, मिट्टी और पत्थरों वाली चढ़ाई है। आधे रास्ते से हम वापस आ गए हैं, लेकिन अड़ंगकेल की हमने जो है वो कुछ पिक्चर्स वगैरह कुछ मूवीज़ वगैरह ली हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे अभी। हाइकिंग वाला टीरा हमारा फुल ऑन निकल गया। ठीक है, बड़ा औखा का, बारिश हुई है ना, स्लिपिंग है यहाँ पे, इसलिए जो है ना सारा और अब हमने स्लिपर हुआ, स्लिपिंग हुआ है सारा। क्रॉस करना है हमने पहले, वो आगे हम जरूर करते हैं। और ये हमारे भाई हैं, वैसे कहते हैं हमने चले वापस, जब वापस जाते हैं तब बातें करते हैं ताकि मुझे कोई बातें ना करे। ये शेर जवान है। हाँ जी जी देखिए कैसा मज़ेदार मौसम है जी, व्यू चेक करें कैसा ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। ये जो आपको दूर से एक वादी से नज़र आ रही है, उसको थोड़ा से नीचे से हम वापस आ गए जी, और ये हम यहाँ वापस खड़े हुए हैं आके, बहुत दूर है जी अड़ंगकेल केल से, हाइकिंग है। और लेम भाई बताएंगे, ये डोली में जा सकते हो भाई आप? और डोली चल नहीं रही, डोली चल नहीं रही, ये यकीन मानो पूरा हाल हो गया हमारा। वो बहुत मुश्किल काम है जी, बहुत मुश्किल काम है जी ये हाइकिंग करना, और ये बहुत हैवी किस्म की हाइकिंग है केल से अड़ंगकेल की, इज टू मच। नहीं जी अभी हम निकल रहे हैं केल से ताऊबट के लिए, और ताऊबट यहाँ से कितना किलोमीटर है? नहीं जी ये भाई हमें, हम जीप पे जा रहे हैं जी, ये भाई के साथ, क्या नाम है आपका? राजा शफीक सर। राजा शफीक हमें लेके जा रहा है जी ताऊबट। और ज़्यादा जेल में रहते हैं? तंत्री बहुत है जेल में, माशाल्लाह डेढ़ दो सौ है। और ये जी हम जीप पे निकले हैं केल बाज़ार से भी, हम निकले हैं जी, और केल बाज़ार से निकल के हम ताऊबट की तरफ जा रहे हैं, ढाई घंटे का रास्ता तकरीबन भाई बता रहा है। सर्दियों में इधर बर्फ़ होती है? सर बर्फ़ इधर रहती है पाँच छः घंटे। ताऊबट के लिए जी रास्ता शुरू हो गया है, जीप पे हम जा रहे हैं, और ढाई घंटे का रास्ता बता रहे हैं जी ये, और ताऊबट के लिए वीडियो हो गई है स्टॉप। अच्छा जी आपने कहीं भी यहाँ पे जाना है, जगह जगह पे जो है ना वो कश्मीर में केल चले जाएँ, अड़ंगकेल चले जाएँ, ताऊबट चले जाएँ, जगह जगह एंट्री पॉइंट बने हुए हैं जी, जहाँ पे एंट्री करवानी होती है आर्मी के चेकिंग पॉइंट बने हुए हैं, और यहाँ से जो है वो एंट्री करवाने के बाद ही आपको जाने देते हैं। हाँ जी भाई जान, ये जो सामने राइट हैंड पे आपके जो है ये क्या है? किशन गंगा है। ये किशन गंगा है, किशन गंगा है इंडिया के, किशन गंगा को जो किशन गंगा गया बारह जो आ गया ग्रह जी लगा। ठीक हो गया, ये है जी ताऊबट का रास्ता। रास्ते में हाँ जी जी केल से ताऊबट जा रहे हैं जी, तो पहला जो गांव है वो मच्छल है जी ये, और उधर उसके बिल्कुल सामने इंडिया का भी गांव मच्छल है, और ये भाई बता रहे हैं जो उसके साथ इंडिया का जो गांव है वो भी मच्छल है, दोनों का नाम सेम है जी गांव का मच्छल। मच्छल से होते हुए जी हम ताऊबट की तरफ जा रहे हैं, और बड़े हसीन नज़ारे हैं। ये देखिए जी एक आबशार आ गई है प्यारी सी, ये देखिए जी एक आबशार आ रही है, और देखिए जबरदस्त किस्म की आबशार आ रही है।
ऐसे व्यूज आपको रास्ते में बहुत मज़ेदार मिलेंगे ताऊपट जाते हुए। ताऊपट जाते हुए एक और गांव आ गया है जिंगर। ये दूसरा गांव आया है जी अब तक। ताऊपट की रोड की कंडीशन देख लें, जहाँ सही है वो भी आपको दिखाऊंगा और जहाँ से रोड की कंडीशन ख़राब है वो भी आपको दिखाऊंगा नाजरीन में। अभी तक रोड सही है, कहीं कहीं से पैचेज हैं और बिल्कुल ताऊपट तक जाके आपको ये भी बताएंगे कि अपनी गाड़ी में आ सकते हैं कि नहीं। ये जी तकरीबन चौथा गांव आ गया है जन्नत सिरी, तीसरा गाँव जन्नत सिरी गाँव है जी तीसरा। ये केल से हम निकले हैं ताऊपट के लिए और ये जी रास्ता है सारा ताऊपट जाते हुए का रास्ता है जी। ये यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का दुनिया माश किया है। दोस्तों तकरीबन 15 किलोमीटर भी नहीं अभी आए हम और ये रोड ऐसे ही अब शुरू हो गई है, कच्ची रोड है। देखिए जी ये अब कच्चा रोड शुरू हो गया आगे से, लेकिन गाड़ी इस पर भी चल सकती है जनाब। कौन सा गांव है? डोगा। ये जी दोस्तों डोगा गांव आ गया, ये चौथा गांव है जी केल से निकल के ताऊपट के लिए। ये चौथा गांव है डोगा 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 गांव का नाम है जी डोगा। और अभी यहां से कितना अभी रास्ता है जी ताऊपट का? आधा नहीं हुआ अभी। आधा नहीं हुआ जी, ड्राइवर साहब हमारा जी कह रहा है हमारे ड्राइवर साहब के जी अभी आधा नहीं हुआ। देखिए जी जाते वक्त ताऊपट के रास्ते में खूबसूरती चेक करेंगे आप, कश्मीर की खूबसूरती। ये रोड कंडीशन देख लें आप, रोड की कंडीशन आपके सामने है जी। फ्रेश अपडेट आपको दे रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट 2023 की ताऊपट की केल से ताऊपट की रोड कंडीशन जो है वो आपको अपडेट दे रहे हैं भाईजान। दोस्तों ये देख लें, कह रहे हैं एक साल तक ये सड़क कंप्लीट हो जाएगी। ये देख लें दोस्तों ये रोड कंडीशन है जी ताऊपट जाते वक्त केल से। ये कौन सा गांव है जी ये जो आ रहा है? कौन सा? जनवई। जनवई दोस्तों जनवई गांव आ रहा है जी आगे। ये पांचवा गांव है जी केल से ताऊपट जाते हुए, पांचवा गांव आ रहा है ये जनवई। ये जनवई जनवई गांव आ गया जी। ये देख लें जी रोड की कंडीशन देख लें दोस्तों आप लोग। जनवई की जी ये पुलिस चौकी है जी,
जब भी आप जी कश्मीर आएँ, कहीं भी आएँ, अपना आई डी कार्ड अपने पास ज़रूर रखें। अभी हमारे आई डी कार्ड गाड़ी में पड़े हुए हैं, होटल में, केल में, और हम रास्ते में ताऊ बट जा रहे हैं और हमें जो है ना बहुत सारे चेक पोस्ट पे रोका जा रहा है और टाइम भी ज़ाया हो रहा है। तो आई डी कार्ड अपना अपने पास लाजमी रखें। हमने जी डेढ़ घंटा जो है ना हमारा ज़ाया किया है चेक पोस्ट वालों ने, हमारे पास आई डी कार्ड गाड़ी में रह गए थे। और अभी ये रास्ता जी देखें, अभी यहाँ से ये ताऊ बट का रास्ता चेक करते जाएँ जनाब आप। नहीं पहले दे छोड़ दो ना, टेंशन नहीं सी। मैं फोन करके आता हूं, मस्ता पड़ जाता है। ये रोड कंडीशन दोस्तों आपके सामने है, चेक कर लें रोड कंडीशन। ये रोड देख लें जी, ऐसी रोड है। अगर आप लोगों ने आना हो तो आपको रोड कंडीशन के बारे में पता हो कि इस वक्त रोड कंडीशन क्या है ताऊ बट जाने के लिए। ले जी ये जी, अब हम भूल गए हैं, अगर डेढ़ घंटा हमारा ज़ाया हो गया, भूल गए हैं पांचवा या छःवा गांव है जी फलवई। पांचवा गांव है जी फलवई। हाँ जी, और शायद तो बिल्कुल ना पकड़ा है। हाँ जी, जब भी आएँ जी अपना आईडी कार्ड अपनी जेब में रखें, उसके बगैर ये लोग जाने नहीं देते, बहुत तंग करते हैं जी ये। हाँ जी, ये जी ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये आर्मी का कैंप है और ये फलवई गांव है, ऊपर की तरफ में जा रहा है रखा। देखिए जी ये फलवई गांव है जी, ये ताऊ बट जाते हुए। जी देखें, जब ये एक जीप आती है तो दूसरी जीप की जो है ना ये क्रॉसिंग देख लें जी, कितनी मुश्किल है। ये देखें जी क्रॉसिंग के वक्त जो है वो कितनी टेंशन होती है जी, ये एक जीप आ सकती है और एक जा सकती है। क्रॉसिंग के वजह से ये टेंशन होती है जी। ये देखें जी रोड की कंडीशन, और रोड देख लें आप लोग। ये देखें जी ताऊ बट जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, खूबसूरती भी मज़ेदार किस्म की आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग भी आ रही है। और ये राइट हैंड पे जी मेरे जो है ये कृष्ण गंगा दरिया है, ये दरिया नीलम से मिलता है जी जाके कृष्ण गंगा। ये देखिए जी ये आबशार आ रही है और ये साथ ही गांव है जी मरनाट। ये जी छवा गांव है जी केल से ताऊ बट आते हुए, ये छवा गांव आ रहा है मरनाट। मरनाट
ये देखेंगे यहाँ पे दरिया के किनारे जी अपने जानवरों को आराम करवाया जा रहा है। ये लेफ्ट हैंड पे देखें छोटी सी आबशार निकल रही है। ये देखें जी कितने सारे जानवर हैं जी, बकरे दुम्बे आबशार लगाई हुई है, चाय शाय बना रहे हैं। अच्छा जी यहाँ से अब पाऊपड़ कितना दूर रह गया है? एक घंटा लगेगा अभी? 10 किलोमीटर रह गया। 10 किलोमीटर यहाँ से रह गया जी पाऊपड़ भाई बता रहे हैं। अभी तो एक गांव आना है उसका नाम है क्या? देखें जी रास्ते हम आपको दिखा रहे हैं, रास्ते आप लोग देख लें ताकि आप लोगों ने फैसला करना है कि आप लोगों ने आना है कि नहीं आना। हमारा काम है आपको लेटेस्ट अपडेट जो है ना वो देना, जो इस वक्त 2023 सितंबर का महीना है और ये सारी रोड्स की कंडीशंस है। अच्छा जी देखें ट्राउट मछली पकड़े हैं जी, ट्राउट फिश बच्चे पकड़े हैं जी, फिशिंग कर रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ पे मकामी लोग ये ताव पर बस भी जाती है इधर से। ये सीधा तंग करता है, देखें जी ये रोड कंडीशन है जी ताऊबाट की। ये रास्ता देख लिया जी आप लोग, रास्ते की सोचते हाल है, वैसे नज़ारे भी बहुत प्यारे हैं, रास्ते भी जो है ना वो बहुत प्यारे हैं, मज़ेदार रास्ते हैं, खूबसूरत एटमोसफियर है। देखें चरवाहे अपने जानवर चरवा रहे हैं।